आप, I mean, I'm sure राजवीर आपको यहाँ लेकर आया, that means आपको medical attention चाहिए, but I just want to know हुआ क्या है? Actually, डॉक्टर पलकी? Yes. मैं मंदिर गई थी और रोड क्रॉस कर रही थी, आई मीन कुछ दान देने के लिए, और मुझे वहाँ मेरी बहू नजर आ गई। सब तैयारियां ठीक चल रही है? अरे सब लोग ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पियेंगे, वो नींबू पानी या गुलाब का शरबत वो नहीं बनाया है? जा बना के आया नींबू शरबत। ये ओ काला धागा तो मेरे हाथ में ही रह गया, पलकी को बनाना ये ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये सब ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। जी मैम जी। वो और मैं उसी की तरफ देख रही थी और अचानक गाड़ी ने आके मुझे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैम मैं आपका पैर चेक कर सकती हूँ? हाँ। राजवीर मेरा मेडिकल किट वो ऊपर शेल्फ पर रखा है, निकाल दोगे प्लीज? मैं ला कर देता हूँ। ये क्या बात हुई, आप आपकी बहू को ढूंढने में इतना खो गई कि आपको ये भी याद नहीं रहा आप रोड क्रॉस कर रही थी? बिना दोनों तरफ देखे आपने रोड क्रॉस कर लिया। अगर आपको चोट लग जाती, कोई बड़ा हादसा हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती तो? आप ही की बहू है, कहीं भागी थोड़ी जा रही है, आप घर जाओगी तो आपके घर पर ही होंगी। हाँ होगी तो घर पे ही। काश बेटा मैं तुझे सच बता पाती कि मेरी बहू तो, पर आज तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, अपनी तकलीफ बता के तुझे दुखी नहीं करना चाहती। आप इतनी बड़ी है, इतनी समझदार है, लेकिन इतनी केयरलेस, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पता है आपको देखकर लगता है कि आप पूरे घर को संभालती होंगी सिवाय अपने आप को, है कि नहीं? ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है, आपको ध्यान देना चाहिए, दोनों तरफ देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। ये तो रब दी मेहर है कि आपको छोटी मोटी चोट आई है, अगर फ्रैक्चर हो जाता तो आपको पता है आपको रिकवरी में कितना टाइम लगता, कितनी मुश्किलें होती, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अब पलकी संभाल के तुम डांट क्यों रही हो? I mean, उन्हें चोट लगी है, तुम उनका इलाज करो ना, तुम ऐसे डांट रही हो जैसे कि वो बच्चे हैं। डांट खाने वाला काम ही किया है इन्होंने, इन्हें ध्यान देना चाहिए ना, तुम्हें दिख नहीं रहा ये अपना ध्यान नहीं देती। और एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा है तो तुम बीच में मत बोलो, ठीक है? सुरेश जी बधाई हो, हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। जसबी तू तो बड़ी लकी है, मैंने तो सोचा था डॉक्टर बहू मिल गई। हाँ तो हमारी पलकी तो भी डॉक्टर ही है। नहीं आंटी पलकी ही डॉक्टर है, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझसे कुछ और ही कह रही थी। क्या बोल रहे हो, एक शब्द मत बोलना, चुप रहो। अरे बोलूंगा, सबको बताऊंगा। सुनो जी, जब रास्ते में मैं और मेरी पत्नी आ रहे थे तो ये मुझसे पूरे रास्ते एक ही बात कह रही थी कि लड़की डॉक्टर है, इतनी पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई में चेहरे पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, स्किन खराब होगी, अरे सुंदर तो क्या ठीक ठाक दिखती भी नहीं होगी। लेकिन जब इसने यहाँ आकर के पलकी को देखा तो क्या बात है, इसकी सोच ही बदल गई, मतलब सोच बदलना पड़ गई, इतनी खूबसूरत है पलकी। हाँ मासी क्या हो रहा है, तैयार क्यों नहीं हो रहा है? पता है वो पलकी रूम में आ भी गई है, किसी भी वक्त उसकी एंगेजमेंट की सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग दोनों ही बिल्कुल तैयार थी। चल घर तैयार होते हैं। और हाँ वो कौन थी गाड़ी में जो तुझे एकदम अपने बच्चे के जैसे प्यार कर रही थी? मासी आपके जैसा प्यार ना मुझे कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं। उनका प्यार थोड़ा अलग था, जैसे जैसे बड़ी जैसे बड़ी बड़ी माँ। वो बहुत ही स्वीट थी, उन्हें बड़ी माँ बुलाने का मन किया, अच्छा भी लगा तो बुला लिया। Wait a second. Now I got it. आपको भी जलन होती है ना? किसी और मामले में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन तेरे मामले में ना मुझे बहुत जलन होती है।
ऐसे ही किसी को भी बड़ी माँ बुला रहा है। बहुत जल्दी आपको भी माँ कहकर पुकारूंगा। हाथ बढ़ाओ। अरे मैनू की देख रही है, हाथ बढ़ाना, कितना अंगूठी पे रहेगा, हाथ बढ़ा। ये ले पलकी। पलकी बेटा, लड़के को अंगूठी पहनाओ। क्या चल रहा है बताएगा मुझे? कुछ भी नहीं। देख राजवीर, झूठ मत बोल और मेरी बात टालने की कोशिश भी मत करना इस बार। मैंने जब भी तुझे पूछा है ना, तू हमेशा ये बोल के टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब झूठ नहीं, मैंने देखा कि तू पलकी की फोटो देख रहा था। और ऐसे नहीं है कि तू बस ऐसे ही देख रहा था या तूने गलती से देख ली। तू देख रहा था, तू जानबूझ के देख रहा था, क्योंकि तू देखना चाहता था। तूने उसकी वीडियो पॉज की और तू उसे देखे जा रहा था। हाँ, अब ये मत कहना कि तुझे उसकी ड्रेस इतनी अच्छी लगी कि तुझे भी डिट्टो वैसी ही ड्रेस चाहिए, या तो कि यार उसने ये ड्रेस कहां से ली होगी, तू ये सोच रहा था। मुझे सब समझ आता है और मैं तुझे भाई मानता हूं, तो तेरे भाई को सच जानने का हक बनता है। और प्लीज झूठ मत बोलना। डू यू हैव फीलिंग्स फॉर क्या तू पलकी के लिए फील करता है? करता है। हाँ, मुझे पता था मुझे। और मैं मोहित, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ओके? ना आज, ना कल, ना कभी और। तू मेरे भाई जैसा है, तूने भाई के नाते मुझसे पूछा, मैंने तुझे बता दिया, लेकिन ये बात सिर्फ तुझ तक रहनी चाहिए। तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, ओके? किसी को भी नहीं मोहित। और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पलकी मुझे अच्छी लगती है। I mean, इतना अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा, बट पलकी अच्छी लगती है मुझे। और मैं ये कह रहा हूँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं, मैं आपकी शिकायत कर रहा था इससे। मैं कह रहा था कि आप ना मुझे तैयार भी होने नहीं देते अच्छे से, तो
तो इसने मुझे डांट दी। बस सबका टाइम वेस्ट करता रहे तू बातें कर करके, हैं? तुम फिर कभी मुझसे ऐसे बात नहीं कर पाओगे। कॉल कर लूंगा। केतन को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब तुम कुछ गलत कर ही नहीं रही हो तो डर किस बात का? पता नहीं राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। समझ नहीं आ रहा है मेरे। तो मत करो शादी। मत करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे पलकी तू तैयार हुई कि नहीं अभी तक? सिम्मी जाकर देख पंडित जी को थाली दे दे, वो पूजा की थाली मांग रहे थे। तैयार हो गई ना तू? जी माँ, बहुत सुंदर लग रही है। तेरे सर का दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा रुक रुक मैं लगा देती हूँ। हाय रब्बा, झुमका गिर गया। इसी वक्त झुमका भी गिरना था, अब बारात आने वाली, देर हो जाएगी। जरा देखना गुरप्रीत उधर कहीं बेड के नीचे देख। आजकल ज्वेलरी वाले भी ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं कि पहनो नहीं कि गिर गई। पंडित जी को थाल दे दी है मैंने। अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो, क्या गिर गया? अरे हुआ क्या, ये झुमका गिर गया निगोड़ा, और देर हो रही है, जरा देखना। हाँ हाँ मैं ढूंढती हूँ, एक मिनट। तू यही होगा, कहाँ जाएगा देखती। हाँ तेरी नजर बड़ी तेज है ना, दूर की दृष्टि वाली। देख ढूंढ, मिल जाए तो दे देना। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया। ये रहा, मिल गया। हाय रब्बा, तब मिल गया तो क्या खुद के लगा लेगी? हाँ दूर की दृष्टि है तो दूर के सपने मत देखना, बिहार अचाने की मत सोचना, समझी? ये मैं पलकी को पहना देती हूँ ठीक से लगा के। हाँ बारात आने से पहले मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या कर दी मैं। अरे प्रीता जी आइए, आइए, क्या हुआ? हाँ जी, वो मैं ये कहने आई थी कि बारात आ गई है, बारातियों का स्वागत करने चले। सच्ची बारात आ गई? बस ये झुमके निगोड़ों को अच्छे से लगा दो ताकि कहीं भागे ना। फिलहाल तो मुझे भागना है बारात का स्वागत करने के लिए, अब ठीक से लग गया। अच्छा सुनो, अकेले मत आना, माई को भेजूंगी मैं तुझे लाने के लिए, ठीक है? चलो चलो चलो, बारात आ गई भाई, बारात आ गई, आ जाओ आ जाओ सब लोग। राजवीर, क्या बात है? कुछ नहीं। मेरा दिल कहता है वो लड़की प्रीता की है और कोई नहीं थी। कैसे हो सकता है ये? नहीं हो सकता है। ये चमत्कार हो गया दी, हम सब यही समझ रहे थे ना कि प्रीता इस दुनिया में नहीं है। हम गलत समझ रहे थे, गलत सोच रहे थे। प्रीता, प्रीता जिंदा है, जिंदा है।
और मैंने उसे इस शहर में देखा है, यही है वो। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रीता इस घर में आ जाए, फिर हमारे घर में खुशियां लौट आएगी, एक बार फिर ये घर खुशियों से भर जाएगा। जरा सोचिए, अगर प्रीता यहाँ है इसका मतलब कि रुद्र भी है। और आपने एक बार भी कभी करण के बारे में सोचा है? हर वक्त वो बिजनेस मीटिंग्स कॉल्स में अपने आप को बिजी रखता है, क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि कहीं ना कहीं वो प्रीता को बहुत ज्यादा मिस करता है, लेकिन मुंह से ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर प्रीता घर आ जाएगी तो करण की जिंदगी में प्यार लौट आएगा, करण फिर से जैसे पुराना हमारा करण था वैसे बन जाएगा, और शौर्य को उसकी माँ मिल जाएगी। क्या हो रहा है ये? किसे ढूंढ रहे हो? लगता है केतन जीजू की नजरें ना पलकी दी को ढूंढ रही हैं। बट अफसोस, जीत पलकी दी तो यह है ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ जाएगी दी। हा? भाई पुत्र चुप कर, छेड़ मत उसे। क्यों, जीजू है मेरे। अरे भाई साहब सही तो कहा, केतन की आंखें उसकी होने वाली दुल्हन को जो ढूंढ रही है। अरे भाई आप लोग थोड़ा शांति रखो, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठे तो आराम करने दो। अरे आइए भाई साहब, आइए आओ बेटा, चल बेटा। आओ पुत्र आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या लोगे पुत्र, कोल्ड ड्रिंक शरबत क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ ना, स्नेक्स वगैरह होल में मंगा लेते हैं हम अभी। माँ स्नेक्स होता है। तो स्नेक्स तो बोला, और क्या बोला? माँ स्नेक का मतलब सांप होता है। हाँ मतलब कि वही खाने पीने की चीज, आप बताओ मैं मंगवाती हूँ। भाई साहब आप क्या लेंगे? शरबत मंगा लीजिए, बहुत गर्मी। अरे भाई जल्दी मेहमानों के लिए शरबत ले जाओ। हाँ सबको दो भाई। और केतन बेटा तुम क्या लोगे? नहीं बाबा कोई नहीं। नहीं भाई साहब, केतन बोल रहा था कि उसे पलकी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। अब आप देख लेना, शादी के बाद ये सिर्फ पलकी के हाथ का खाना खाएगा, माँ के हाथ का खाना खाने से रहा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सास बहू में टकरार ना हो जाए। राजवी, तेरी आंखों में आंसू? अरे वो मासी, मैं बाहर काम कर रहा था ना, तो वो आंख में कुछ कचरा चला गया, तो चुभ रहा है जब से, तो आंसू उसी वजह से। सुन, मुझे पता है कि तेरी आंखों में आंसू क्यों, मैं साफ साफ देख पा रही हूँ राजवी। प्यार करने लगा है, बल्कि से बहुत प्यार करता है ना, और अब उसकी शादी हो रही है, तुझसे दूर जा रही है, और तू उसे दूर जाते हुए देख नहीं पा रहा। सच बोल दे राजवीर, प्यार है ना पलकी से? मासी
सॉरी वो ना मुझे ऑफिस से कॉल आ गया था, नया नया जॉब है तो कुछ काम संभल नहीं पाया, तो उसी वजह से बहुत टेंशन हो रही है। कुछ गलती हो गई मुझसे तो बॉस ने बहुत डांट दिया और मैंने सुन भी लिया, लेकिन अब समझ में आ गया मासी कि मुझे उन्हें क्या जवाब देना है। पक्का? पक्का। बॉस को जवाब देना है? अच्छा, मासी की एक बात सुनेगा तो बॉस को ऐसा जवाब देना कि वो सब के कुछ भूलकर सारे रूल्स सारे रेजोल्यूशन तुझे अपना ले। ऐसा जवाब देना कि उसे तेरा प्यार तेरी मोहब्बत अपने काम के लिए बहुत अच्छे से दिखे। जिंदगी में प्यार हो या काम एक रूल है जो हर जगह लागू होता है। अगर कुछ पसंद है तो उसे हासिल कर। तो ऐसा जवाब देना कि जो तेरी किस्मत में ना हो वो भी तेरा हो जाएगा। एक बात याद रखना राजवीर, जिंदगी में बीता हुआ वक्त बीते हुए लम्हे बीता हुआ प्यार। I hope कि तुम मेरे यहाँ आने से अपसेट नहीं। What's your name, sweetie? माही। Nice name, Mahi. Mahi, I wish your sweet sister. इसकी ये marriage night ऐसी हो, ऐसी हो कि इस ज़िंदगी भर ना भुला पाए। इसकी ये night एक memorable, एक यादगार रात बन के रह जाए। I wish and I bless and you, cutie pie. One more wish, दिल से। I wish कि तुम्हारी आज की रात actually कल की रात से ज्यादा खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारे होश उड़ जाए। I mean प्यार में रात है, रात को तो सिर्फ प्यार होता है। एक फ्रेज भी है ना हिंदी में, हाँ याद आया, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। Everything is fair in love and war. Anyways, I wish you all the best. एक और बात, आज रात सिर्फ रात नहीं बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी, माही, मैं चली जाऊंगी। दीप, माही पुत्र, हाँ इधर तो आना। आई दादी। एक जोत, वैसे तो तू पलकी की रिश्तेदार नहीं है, पर देख सारी जिम्मेदारियां लेके रखी हैं, जैसे तू ही सबसे करीब है उसके, जैसे कोई घर की। गजब की है तू, कमाल की। तेरे यहाँ होने से कितनी रौनक है माहौल में, कितनी जिंदगी, कुछ तो है तेरे अंदर। ये तो आपका बड़ा फन है। वैसे एक बात बोलूं, तू ना पलकी जैसी है, पलकी भी ऐसी ही है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छा। सॉरी आंटी, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। ये तो बेस्ट है, हर चीज में, हर काम में, हर बात में ग्रेट। और पलकी, पलकी बस ओके ओके है। उसे तो ये भी नहीं आता कि किससे कैसे बात करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, बस मूड खराब करना, पीस ऑफ माइंड स्पॉइल करना। और इन्हें इन्हें बस लोगों को प्यार देना, ये जहां होती है वहां कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होती। एंग्री मूड भी काम हो जाता है। जैसे मैं एक एंग्री यंग बॉय तो हूं, और ये एक कूल, एक काम पर्सन, पता है
अगर मैं कोई बुरा काम भी करने वाला होता हूँ ना, इन्हें देख लेता हूँ, कर ही नहीं पाता। वैसे तो मेरे लिए ये एक अजनबी ही है, अ टोटल स्ट्रेंजर, पर जितना ये मुझे समझती है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता। सुना था मैंने, एक माँ ही होती है जो बच्चों को बिना उनके कहे ही समझ जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही। मेरे दिल में क्या है मेरे चेहरे पे इन्हें नजर आ जाता है। इनसे पहले मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है, और वो पलकी तो इनकी जूती भी नहीं है। ऐसे कौन बोलता है? सॉरी दादी, मैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। ये कैसी बातें? कौन है ये लड़का? ये वो मेरा बेटा है। पर राजवीर तुम्हारा बेटा है ना? जी, राजवीर तो मेरा भांजा है, लेकिन वो भी मेरे बेटे की तरह ही है, और ये भी मेरे बेटे के एक्चुअली मेरे दो बेटे जैसे हैं। सॉरी आंटी, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे एक आवाज लगाना। What happened? बात करनी थी, रोकना ही था तो हाथ क्यों लगाया? जबान नहीं है। वैसे हाथ मेरे भी हैं। कोई मुझे टच करे, I don't like that. Except hot girl, chicks, उनके लिए अलाउड है। वो मुझे टच करे, मुझे अच्छा लगेगा। बट हर कोई नहीं, मुझे भी पसंद आना चाहिए, मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। आई एम श्योर यू लूथर। हो गई तेरी फालतू की बातें? फालतू लोगों के साथ मैं फालतू बातें ही करता हूँ। तू बातें नहीं बकवास करता है, ओके? तेरी बातें भी मुझे बकवास ही लगती हैं। But you know, तेरा ये look, I love it too. तू जब मुझे ऐसे देखता है ना, इन नजरों से, इन आंखों में ये गुस्सा, गुस्से की ये आग, आई नो कि तू तेरे दिल में यही सोच रहा है, इसी स्पॉट पे अभी के अभी मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, है ना? यही सोच रहा है ना? वाह, तू तो बहुत समझदार निकला। मुझे लगा तेरी बातें बकवास है तो तेरा दिमाग भी नहीं चलता होगा, लेकिन तेरा दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है, बहुत सही समझा तूने। बहुत हो गया समझना समझाना, अब जाने दे। सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरे लपंटर दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दोस्त है मेरे, क्लोज फ्रेंड्स, यू नो, जैसे मैं जिगरी, ये मेरे जिगरी दोस्त, मैं जहां जहां जाता हूँ मेरे साथ साथ आते हैं। ओ हेलो, इन्हें दोस्त नहीं चमचे कहते हैं। व्हाटएवर डू, तेरी जो भी प्रॉब्लम है जाके केतन से कंप्लेन क्यों नहीं करता? वैसे भी तो एक कंप्लेन बॉक्स ही तो है। पर लेट मी टेल यू व्हाट, केतन जाके भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बॉस को तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर वो गलती से भी कुछ बोल भी देना तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसे नहीं मिलेगा। जब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट कैसा? और जितना इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट केतन के लिए है, उतने इंपॉर्टेंट मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए है, इसीलिए यहां पे, समझा? अरे कहां जा रहे हो दी? क्या हुआ, कहां जा रहे हो, बताओगे? कुछ नहीं, मंडप की तरफ। अरे मंडप, एक सेकंड, आप मंडप की तरफ नहीं जा सकते। अरे मेरा मतलब है कि दुल्हन हो, थोड़ा सा टाइम लगाओ, जब तक नहीं बुलाते ना नहीं जाना। थोड़े से नखरे दिखाओ, ताव भाव दिखाओ, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, थोड़े टेंट्रम थ्रो करो ना दी, तब जाना। मैं तो कहती हूँ जब तक चार पांच बार ना बुलाए ना, तब तक तो जाना ही मत। चलो मेरे साथ रूम में। पलकी मेरी होने वाली बहू है, मेरे बेटे से इसकी शादी है, तो इससे दूर रहो। दी क्या हो गया आपको? आपका दूल्हा दिख गया क्या? ओह, ये तो शाहरुख खान है। आपका सलमान खान तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो अंदर है। Hey, तेरी प्रॉब्लम क्या है? What's up, bro? यही तो मैं पूछने आया हूँ, what's up, bro? तू क्या करने आया है यहाँ पे? तू बिना किसी वजह तो कहीं जाएगा नहीं। मुझे बता दे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे पता है कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या प्लानिंग है तेरी? हाँ तू सच में, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं यहाँ आ गया तो एक प्लेट खाना कम पड़ जाएगा क्या? और सब मुझे ये क्यों पूछ रहे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करने आया हूँ? कम ऑन डू, चिल।
ये शादी है, दिख नहीं रहा? शादी अटेंड करने आया तू, ये एंग्री यंग मैन जोन में क्यों रहता है हमेशा? थोड़ा सा नॉर्मल जोन में आ जा। ओ प्लीज, तू ये मासूम बनने की एक्टिंग मत ही कर, तुझ पर सूट नहीं कर रही है। और हाँ, मुझे पता है तू बेवजह कहीं जाएगा नहीं और बिना किसी वजह किसी से टकराएगा नहीं, और तू किसी को भी दिख जाए ना, उसका मतलब है उसे शनि दिख गया है। बस तू कहीं का हीरो तो है नहीं कि तुझे देखकर लोग खुश हो जाएंगे। तू एक ऐसा विलन है जो जहां भी जाएगा ना सवाल खड़े करेगा बस, क्योंकि तू क्या चीज है यहाँ पे हर कोई जानता है। तू क्या चीज है ये मैं भी जानता हूँ। चल अब ये लेक्चरबाजी बंद करो, के वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलेगा। इतना पता है कि पलकी की शादी तुझे जिंदगी भर याद रहेगी। ये शादी, ये सीजन, और इसे याद रखने के हजारों रीजन। पर एक बात बताओ, ये भी ना छोटी मोटी यादें, ये सब यादें भी ना छोटी मोटी पड़ जाएंगे। क्या शादी थी, क्या खाना था, क्या नाच गाना था, क्या दुल्हन थी, क्या मेहमान थे। जैसा मैंने कहा, ये शादी, ये स्पेशल मेहमान, ये शादी का सीजन, याद रखने के हजार रीजन। और एक बात, ये शादी सिर्फ तुझे ही नहीं पर यहां पे आए हर एक इंसान को जिंदगी भर याद रहे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। शौर्य, घुमा फिरा के बात मत कर, मुझे बता कि तू यहाँ पर क्यों आया है और क्या करने आया है। तू सच बोला ना, छोड़ मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे जवाब चाहिए कि तू यहाँ पर क्या करने आया है, मुझे बता शौर्य। Dude, I said leave me. नहीं छोड़ूंगा मैं, मैं सच जान के रहूंगा कि तू यहाँ पर क्यों आया है, मुझे बता दे शौर्य। देख, अगर तूने सच नहीं कहा ना तो एक दिन तुझे सच बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। Look, I'm warning you. ये सवाल जवाब बंद कर और छोड़ मुझे। And I'm warning you, मुझे जवाब दे। छोड़ मुझे। राजवीर, छोड़ मुझे यार, क्या कर रहा है? मैं शादी में आया हूँ, मेहमान हूँ, शादी अटेंड करने दे, छोड़ यार। राजवीर, ये क्या तरीका है? क्यों रोका मेरे फ्रेंड को? और वो कब से रिक्वेस्ट कर रहा है जाने दो इसे, शादी अटेंड करने आया है, तो प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो इसे। पेरिस, प्यार करने वालों का शहर, एक न्यूली वेड कपल, हाथों में हाथ, पूरे शहर का सफर, और दो अजनबी बन जाएंगे हम सफर। पेरिस में प्यार का नजारा ही कुछ और होता है, दिल का नजारा बदल जाता है। बस कर यार, अब विशाल हो गया। We'll be right back.
ये वीडियो बंद करने से सच छप जाएगा क्या? सब खत्म हो जाएगा क्या? तुम ये बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शादी मेरी हो रही है और मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं कि सब देखने के बाद बलि का बकरा बनूं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, धाम क्या धोखा दिया है ना तुमने? क्या था ये सब? और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मिल गया, मिल गया, रिमोट मिल गया। रिमोट मिल गया। What happened, guys? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? I said रिमोट मिल गया। पर ये चल क्यों नहीं रहा? वो वायर टूट गई थी ना, जोड़ दिया, अब चलेगा। ओह नो, रिमोट तो गिर गया और गिर के टूट भी गया। I swear, मैं ये रोकने वाला था पर ये तो टूट गया, ये तो चलता ही रहा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्या करना चाहता है? ओड़। ओए। हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या कर रहा है? एक सेकेंड, रिलैक्स गाइस। मैं क्या चाहूंगा? मैं तो इस शादी का मेहमान हूं, शादी अटेंड करने आया हूं। कर तो तू रहा है, क्या क्या कर रहा है? ये दोस्ती की आड़ में ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये सब जो फोटोज, ये ड्रामा, ये सब तूने किया है ना? डूड, यही तो है तेरा और मेरा रिश्ता, कभी तू कभी मैं। आज तूने तुझमें और मुझमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व कर दी है, तूने हद पार कर दी है शौर्य। ये तेरा पेट डायलॉग है ना, तूने हद पार कर दी। हाँ मैंने हद पार कर दी, क्योंकि मुझे हद में रहना आता ही नहीं, लेकिन मुझे हद में लाना जरूर आता है। और तू मुझे गिरा हुआ कह रहा है? हाँ, तू जब भी कुछ करता है ना, तो तूने जो पहले किया होता है उससे और ज्यादा गिर जाता है। तू ये लेक्चर देना बंद करोगे? मुझे जो करना था मैंने कर लिया। तूने ये जो किया है ना, उसके बाद अगर मैंने तुझे ना रुलाया तो मेरा नाम राजवीर नहीं। चल छोड़, छोड़ ये मेरा कॉलर छोड़, और ये हीरो वाले डायलॉग मारना छोड़। अंदर देख, अंदर कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है। अंदर जा और जिस चीज की इज्जत बचा सकता है बचा ले। बल्कि तुम कैसी लड़की हो यार? आज तुम्हारी मुझसे शादी थी और तुम कल राजवीर के साथ उसके साथ ये सब कर रही थी। Yes, नहीं, I know. नहीं, नहीं केतन। ये कल की पिक्स है ना? कल यही ड्रेस पहनी थी तुमने? कल रात तो हम भी यही थे, लेकिन तुम नहीं थी। जब पूछा तो जवाब मिला स्टोर रूम में कुछ काम कर रही है। तो ये कर रही थी तुम राजवीर के साथ? रोमांस, रोमांस, इतनी घिनौनी हरकत कर रही थी तुम?
वो भी स्टोर में नहीं, इसे रिसोर्ट में।